हेलो बच्चों, पढ़ रहे थे क्लास 7th हिंदी मीडियम का कंप्यूटर, जिसमें हम पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर का जो नाम है क्या है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्याय के जो मुख्य बंधु हैं उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर प्रणाली पढ़ेंगे हम, इसमें हार्डवेयर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, कंप्यूटर की सहायक मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में संबंध पढ़ेंगे और कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को मिलाकर जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, ये सभी मिला के क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहलाते हैं। यानी कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस तथा प्रोसेसिंग डिवाइसेस को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो बुक से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक तथा डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। यह अनेक युक्तियों से बना है, यह हमारी कई प्रकार से सहायता करता है। यह डाटा को प्रोसेस करके उसका सही परिणाम देता है एवं उसे संग्रहित भी करता है। यह लगभग सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, घर, औषधि, विज्ञान तथा तकनीक अनुसंधान, पब्लिशिंग, डिजाइनिंग इत्यादि सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंप्यूटर है वो कैसा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनेक डिवाइसेस से ये बना होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग वगैरह, पेपर टाइप करना वगैरह, और भी लेटर टाइप करना। ठीक है, शिक्षा घर पर भी उपयोग कर सकते हैं, औषधि के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, और डेवलपमेंट या अनुसंधान में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य दो भाग होते हैं कौन कौन से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग हैं जिन्हें हम देख व छू सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन से होते हैं जिनको हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं, वो भाग क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये क्या है, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम की भौतिक इकाई होती है। भौतिक इकाई से मतलब कि फिजिकल यूनिट, ठीक है, फिजिकल यूनिट होती हैं। तो कंप्यूटर निम्न युक्तियों से मिलकर बनता है। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सी युक्तियाँ होती हैं हार्डवेयर के कंप्यूटर बनाने के लिए। इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट युक्तियाँ, आउटपुट युक्तियाँ, प्रोसेसिंग युक्तियाँ और संग्रहण। यानी कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, इनसे मिलकर क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। इन युक्तियों के सहायता से डाटा तथा प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते हैं। यानी कि इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। ठीक है, जिस भाषा में हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइसेस इन्हें कंप्यूटर की समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर देती हैं। तो क्या होता है, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, हम कंप्यूटर को जो भी डेटा देना होता है वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर देती हैं। हम कंप्यूटर की सामान्य इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड तथा माउस के बारे में पहले से ही जानते हैं। यानी कि कीबोर्ड और माउस के बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ लिया था। इसमें हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस स्कैनर के बारे में। ठीक है, यह स्कैनर के बारे में पढ़ते हैं। यह एक फोटोस्टेट मशीन की तरह इनपुट डिवाइसेस है जो चित्रों, टेक्स्ट सारणी, ग्राफ, लाइन डायग्राम, फोटोग्राफ तथा डाटा के अन्य समूह की कॉपी करता है। सामान्यतः प्रयोग होने वाले स्कैनर हैं। देखो स्कैनर क्या होता है, स्कैनर एक
फोटोस्टेट मशीन की तरह क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस है जो चित्रों और टेक्स्ट को, सारणी को, ग्राफ आदि को क्या करती है, हम इसकी सहायता से कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर के प्रकार क्या क्या होते हैं। प्लेट बेड स्कैनर, इसमें कांच का एक समतल स्थान होता है जहाँ पर स्कैन होने वाली विषय वस्तु को रखा जाता है। ये फोटोस्टेट मशीन की तरह कार्य करता है। दूसरा क्या होता है, हैंडहेल्ड स्कैनर। ठीक है, हैंडहेल्ड स्कैनर क्या होता है, इसे स्कैन करने वाली वस्तु के ऊपर खींचा जाता है, यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में उपयोग किया जाता है। प्लेट बेड स्कैनर जो कि आपने कहाँ पर देखा होगा, स्कूल वगैरह में या किसी भी ऑनलाइन शॉप पर आपने प्लेट बेड स्कैनर को देखा होगा। और हैंडहेल्ड स्कैनर जो होता है वो क्या होता है, डाटा को कैप्चर करता है, मतलब स्कैन करता है, उसके ऊपर खींच कर उसको कैप्चर करता है। तो यहाँ पे दोनों के ये डायग्राम दिए गए हैं, ये है प्लेट बेड स्कैनर और ये है हैंडहेल्ड स्कैनर। ठीक है, इसके आगे अगला दिया है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, MICR के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रयोग बैंक चेक पर छपी चेक संख्या को एक विशेष प्रकार की इंक सहायता से जांचने के लिए किया जाता है। तो MICR क्या होता है, इसका उपयोग आंसर शीट को चेक करने में भी किया जाता है, जो OMR शीट होती है उसको भी हम MICR के द्वारा चेक करते हैं, और बैंक में चेक पर छपी संख्या को MICR के द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस पूरी हो जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस के लिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।